गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास एट। आज मैं आपको लेसन तीन, जिसका शीर्षक है महादेव सुना। इस कहानी को प्रेमचंद्र जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। मुंशी प्रेमचंद्र मानव प्रेम के अद्भुत पारखी थे। उनकी कहानियों में पात्रों की मनोदशा का सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रस्तुत है एक ऐसी ही कहानी। वेदी ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साहिबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। यह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, कोपला मुंह, झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज जाती सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई, क्योंकि महादेव का यह दिनचर्या सा बन गया था और लोग उनकी बातों को सुनकर समझ जाता कि भोर हो गया, महादेव नदी घाट स्नान करने जा रहा है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, यानी मिला जुला कर पूरा भरा पड़ा परिवार। लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, जब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ जाता। एक दिन संजोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया, तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा। जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसीलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंदमय कुल हरों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्नों बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो वह यही तोता था। उससे उसे
किसी प्रकार का कष्ट न था। वह अब उस अव्यवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई अच्छा नहीं रहती। तोता 1 अप्रैल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव के बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। सो दौड़ा, लोगों को उनकी दुर्दगामिता पर अचंभा हो रहा था। मुंह की इससे सुंदर, इससे अजीब, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकर फेंके, किसी ने तालियां बजाई, तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चकरा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पर आ बैठा। किंतु महादेव की ओर ससंग नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के सामने आया और लपका कि तोते को पकड़ लें, किंतु तोता हाथ ना आया। फिर पेड़ पर जा बैठा। आधी रात गुजर गई थी। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। ऊंच स्वर से बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जैसे ही बंदूक की आवाज सुनते ही हिरण भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सबके सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलशा रखा हुआ मिला।
जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया, दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया।